हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने ग्लेयर थर्ड इंस्टीट्यूट में। मैं एज अ केमिस्ट्री लेक्चर टुडे आई विल डिलीवर यू द लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम 10th क्लास, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में मैंने ऐसा नोटिस करा है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि भाई बच्चों को प्रॉब्लम आता है रिएक्शन याद करने में, भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को नोटिफाई करके मैंने सोचा कि बच्चों के सामने एक नए तरीके से, एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, इस चैप्टर में बेसिकली जो बात किया गया है वो केमिकल चेंज के बारे में बात किया गया है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं भाई चेंज आखिर है क्या। तो चेंज में अगर हम देखें बच्चों बेसिकली, तो चेंज में दो तरीके का चेंज हमारे सामने होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आपने आइस को निकाला है फ्रीजर से और आपने उसे बाहर रख दिया। कुछ देर बाद क्या होता है कि वो आइस जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। क्या बन जाता है बच्चों बताओ? वाटर बन जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो आइस का फॉर्मूला है H2O और वाटर का जो फॉर्मूला है H2O, क्या उसमें कुछ बदलाव आया? उम्मीद है कि नहीं आया, यही आपका भी मानना है। तो यहां पर फॉर्मूले में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंज आ रहा है। और जब स्टेट में जब चेंज आता है बच्चे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो क्यों ना एक पहला जो इसका चेंज है दो टाइप का, पहला चेंज आपका फिजिकल चेंज है और दूसरा क्या चेंज है बेटा? केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो चेंज हो गया बच्चों जिसमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंज आ रहा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं फटाफट। आइस किस में चला गया बाल को? वाटर में। और आइस का फॉर्मूला क्या है? वाटर H2O। और वाटर का भी फॉर्मूला क्या है? H2O। यही नहीं, आप उसी वाटर को थोड़ी देर और रख दो बाहर तो आप देखेंगे कि वाटर अब धीरे धीरे किसमें जा रहा है? वेपर में भी जाना शुरू कर देता है। और फॉर्मूले में अभी भी कोई चेंज नहीं आ रहा था। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। समझ में आता है? चलिए अब बात करते हैं बच्चों केमिकल चेंज की। मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था कि फॉर्मूले में अगर कोई परिवर्तन आता है तो हम उसे बोलेंगे केमिकल चेंज। चलिए तो चलिए बच्चों समझते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या चीज है? अब यहां पर देखो, कोई चीज हम जलाते हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास कोल है। अब कोल किस चीज से बना है? कार्बन से बना। अब आप कोल जलाओगे तो जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियस बात है, ऑक्सीजन चाहिए। माचिस तो बाद में आएगा ना यार। अब ऑक्सीजन नहीं है तो माचिस लेके जला लो, कुछ भी कर लो, नहीं जलेगा, सीधी सी बात है। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए जलाने के लिए। देखो एक बात जो आपको बहुत ध्यान रखना है, जलना आपके लिए है। वो एक्चुअली केमिस्ट्री में कोई चीज जब जल रहा होता है बेटा तो वहां रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली में। ये आपके और हमारे बोलचाल भाषा में जल रहा है, एकदम मस्त जल रहा है, नहीं गलत है वो बेटा। वहां सिर्फ रिएक्शन हो रहा है, जल नहीं रहा हो। केमिस्ट्री बोलता है वो रिएक्शन हो रहा है, तुम बोलते हो जल रहा है। तो थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करना सीखो साइंटिफिकली, है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, कोल को जलाते हैं। कोल किस चीज से बना बच्चों? कार्बन से। तो कार्बन के रिएक्शन हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? CO2। बहुत सारा हीट भी रिलीज होता है, आप जानते हो बहुत अच्छे से, मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं है, ठीक है। तो क्या ये जो CO2 है, क्या इंडिविजुअल एंटिटी है? ना तो ये कार्बन है और ना ही ये ऑक्सीजन है, क्योंकि CO2 अपने आप में एक अलग चीज है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है बच्चों। देखो एक नया फॉर्मूला रेडी हो गया, कार्बन ने रिएक्शन करा ऑक्सीजन से, एक नया चीज बना, दैट इज CO2, ठीक है बच्चों। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन, लैब में शायद देखा होगा, शायद मैं परफॉर्म भी किया होगा, और नहीं भी किया तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं कराऊंगा यहां पर, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट आपके सामने बहुत जल्द, पहले इसको समझते हैं होता क्या है, ठीक है। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं बेटा तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक नया चीज बन रहा है, ध्यान से देखो बालको, जो नया चीज बन रहा है इसका मतलब क्या है कि वहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो दो चेंज होते हैं हमारे सामने, आप देख सकते हैं यहां पर बेटा, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होता है और फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, केमिकल चेंज में फॉर्मूला चेंज होता है। तो यहां पर एक चीज और लिख लेंगे बच्चों, ठीक है, यहीं पर नो न्यू सब्सटेंस, यहां पर लिखेंगे न्यू सब्सटेंस
फॉर्म्ड। ठीक है, तो बेटा फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है और केमिकल चेंज में आपका नया सब्सटेंस बन रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा, यहां पे कोई आपसे कहे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है जरा ध्यान से देखो बच्चों। मान लो कि हमने ए और बी ले लिया, कोई भी दो कंपोनेंट हमने अलग से ले लिया, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है और ये रिएक्शन कराया और ये क्या बन गया ए बी। भाई यही तो होता है रिएक्शन में, और क्या होता है, बचपन से हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं, है ना। ए को हमने रिएक्शन कराया बी के, बी से केमिकल लोचा हुआ और ए बी बन गया। लेकिन हमें समझना क्या है यहाँ पर। अच्छा बच्चों, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है कि हम लोग समझते हैं कि जो ए है या जो बी है वो एक्चुअली में अकेला है। ये छोटे बच्चों के साथ, खासतौर पर जो नाइन्थ से जस्ट अभी आए टेंथ में, इन बच्चों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो समझते हैं एक ही एटम है। तो बेटा एक थोड़ा सा इसको अपने आप को समझें, क्लियर कर लें कि यहां पर एक एटम नहीं है एक्चुअली में, यहां पर 6.022 × 10²³ पार्टिकल होते हैं। तो जो भी आप केमिकल लेते हो उसके आगे कुछ और लिखा नहीं है, जिसका मतलब यहां वन है। क्या है बच्चों, यहां वन है, बी के आगे क्या है वन है। ठीक है, वन मतलब वन मोल, यानी ए यहां पर क्या है बेटा वन मोल, और वन मोल में कितने पार्टिकल कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप, बताओ वन मोल में कितने पार्टिकल, 6.022 × 10²³। भाई साहब, यानी ए के इतने पार्टिकल रिएक्शन करने वाले हैं किसके साथ, बी के साथ। बहुत बड़ी बात है बेटा, ये बहुत ही बड़ी बात है, जो कि बहुत सारे बच्चे ये चीज ध्यान नहीं देते हैं कि वो समझते हैं यहां एक ही एटम है, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, एक मोल एटम है यहां पर। और एक मोल एटम में कितने एटम होते हैं, 6.022 × 10²³। ये ए के पार्टिकल इतने रिएक्शन करेंगे किसके साथ, बी के सेम अमाउंट, यानी बी के भी कितने पार्टिकल होंगे, बी के भी कितने पार्टिकल होंगे बच्चों, सोचो जरा, 6.022 × 10²³ पार्टिकल इसके भी होंगे। तो जब ये रिएक्शन करेंगे एक्चुअली तो ये क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। तो ये जो ए है वो ए अकेला नहीं होता बेटा, एक्चुअली में ए के साथ बहुत सारे ए बैठे हुए हैं, है ना। यानी इतने सारे पार्टिकल, यानी इतने सारे ए के आपस में बॉन्डिंग बना के बैठे पड़े। बिल्कुल सच है ये बात, ए के इतने सारे पार्टिकल एक दूसरे से ज्वाइनिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन करने वाले हैं किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, अब देखो यहां पर बी, तो बी यहां पर आप अगर देखते हैं तो बी बी भी अकेला नहीं बेटा, बी के भी कई सारे पार्टिकल हैं और एक नहीं है, कितने, 6.022 × 10²³। तो इतने पार्टिकल, अच्छा जब ए बी से रिएक्शन करने जाएगा तो ऐसा थोड़ी कर लेगा, ए सबसे पहले अपना बॉन्ड तोड़ेगा, सबसे पहले ए अपना बॉन्ड खुद तोड़ेगा, क्योंकि ए का आपस में बॉन्डिंग है, बी की आपस में बॉन्डिंग है, ए बी से तभी जुड़ेगा या बी ए से तभी जुड़ेगा जब ये अपना बॉन्ड खुद से तोड़ेंगे। भाई ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा तभी तो बनेगा ना नया, ऑब्वियस सी बात है यार, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यानी कि पुराने बॉन्ड टूटेंगे चाहे ए के हो चाहे बी के हो, फिर नए बॉन्ड जाकर बनेंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हाँ भाई बच्चों, कोई हवाबाजी तो नहीं है, सब क्लियर है, कोई डाउट हो बेटा आप कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, आपको रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज का जवाब मिलेगा यहाँ पर क्लियर 30 में, कोई भी शिकायत हो कुछ भी हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसको डिफाइन कर देते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बच्चों लिख लो इसके बारे में, द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स ब्रोक डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आता है। अब एक काम करते हैं बच्चों, लगे हाथों ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं, राइट, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम कैसे पता करें या हमें कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है। तो बेटा इसका आंसर क्या है वो आप जान लें। ठीक है ना, देखिए पहला यहां पर रीजन क्या देंगे आप, पहली चीज बेटा अगर कहीं पर रिएक्शन हो रहा होगा तो वहां पर हो सकता है कलर में चेंज आ जाए,
अरे भाई आप लोगों ने आयरन का कोई आर्टिकल खरीदा होगा, जब आप उसको रख देते हो 2-3 महीने के लिए बाहर, तो क्या हो जाता है उसके ऊपर, एक रेडिश कलर का क्या आ जाता है, रस्ट आ जाता है, हाँ या ना यार, कुछ तो बोलो। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं बात, है ना। यानी कि जो रस्ट आया है वहां पर वो रिएक्शन के जरिए ही तो बना है बेटा, है ना। तो यानी कि पहली चीज बेटा ऊपर क्या आ रहा है, कलर में चेंज आएगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब आप देखते हैं आयरन के अंदर क्या होता है, कलर में चेंज आ जाता है जब उसके अंदर रिएक्शन होता है, जब रस्ट बनता है। दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा, जैसे आपने कभी देखा होगा इनो को आप पानी में डालते हो, अचानक क्या होता है बेटा, उसके अंदर से ढेर सारा इफरवेसेंस बाहर आ जाता है। मतलब इफरवेसेंस मतलब क्या होता है, अचानक CO2 बाहर वाटर सिलेक्शन करके निकल रहा होता है, बहुत तेजी से निकल रहा होता है। यानी कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। बोलो समझ में आता है यहां तक, है ना। अच्छा दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज क्या हो सकती है यहां बेटा, टेम्परेचर में भी बदलाव आ सकता है। मतलब अगर कहीं रिएक्शन हो रहा है, हो सकता है टेम्परेचर वहां बढ़ जाए या हो सकता है घट जाए। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यहां हम लिखेंगे टेम्परेचर चेंज एक बहुत अच्छा फैक्टर है बेटा। एंड फोर्थ फैक्टर क्या है, प्रेसिपिटेशन में भी टेक्स प्लेस। प्रेसिपिटेशन बेटा ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस में। आप यू मान लें, बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं बेटा जो दिखने में तो बड़े क्लियर होते हैं, लेकिन जैसे उनको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहां पर हम लोग, मान लीजिए बेटा आपने AgNO3 लिया, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, और आपने एक तरफ क्या ले लिया बेटा, यहां पर NaCl ले लिया। क्या ले लिया, NaCl। तो बेटा जब और कैसा, एक्वस बेटा। ये जो दोनों सॉल्यूशन है ना, AgNO3 और NaCl बेटा, जब इनको पानी में डिजॉल्व करोगे बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन बनता है, कति क्लियर, कुछ भी नहीं दिखता, आर पर एकदम क्लियर दिखता है, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन जैसे आप इन दोनों को मिलाते हो, पता है क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। कैसे प्रेसिपिटेट में क्या बनता है एक्चुअली में बेटा, ध्यान से देखें, ये बना लेगा आपका AgCl प्लस NaNO3, AgCl नाम का प्रेसिपिटेट बन जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। और AgCl का कलर कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर होता है, ठीक है। तो एक व्हाइट कलर का PPT यहां पर आपको दिखाई देगा, दैट्स इट। तो करते हैं बच्चों इसके बारे में बातचीत नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। और अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट करें, कमेंट करें, और हमें आप ईमेल भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।